हाय गाइस, मेरा नाम सपना साध है। मैं आज आपको चौकोर कुशन बताने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये फ्लावर के शेप में आया हुआ है जिसमें मोती लगा हुआ है। अब हम आपको चौकोर कुशन बताने जा रहे हैं जिसके लिए हमें सॉटन का कपड़ा 1 मीटर चाहिए और ये मोती। ये देखिए, हमने थ्रेड लिया हुआ है और नीडल। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पहले से कटिंग करके और निशान लगा के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो जितना बड़ा हमने कपड़ा लिया है ये 60x60 का है। आप देख सकते हैं ये पूरा 60x60 का हमने काटा हुआ है। उसके बाद ये देखिए हमने निशान लगा हुआ है। पहले ये 2 इंच पूरा हम चारों बगल छोड़ देंगे, ये 2 इंच यहाँ से फिर यहाँ से पूरा छोड़ देंगे। उसके बाद पहले 1 इंच फिर 2 इंच फिर 1 इंच फिर 2 इंच का निशान लगाएंगे। फिर इसी तरीके से इस साइड से भी 1 इंच 2 इंच का निशान लगाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से निशान लगा हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको इसमें फ्लावर बताने जा रहे हैं। ये देखिए, पहले यहाँ हम पॉइंट से उठा लेंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके नीचे, उसके बाद देखिए हम इस साइड निकालेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड, फिर इसको हम ऐसे टाइट खींच लेंगे। खींचने के बाद देखिए ये फ्लावर शेप में आ गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको यहाँ पे अच्छे से पकड़ लेंगे इसका बीच। उसके बाद यहाँ पे ऐसे गांठ बांध देंगे। फिर देखिए फ्रेंड, इधर भी हम इसी तरीके से करेंगे। फिर यहाँ भी हम ऐसे बीच में गांठ बांध देंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर शेप में आ गया है। ये देखिए फ्रेंड, उसके बाद हम एक मोती लेंगे। ये देखिए, मोती डालने के बाद हम ये बीच से सुई नीचे की तरफ निकाल देंगे। फिर इसको हम यहाँ से गांठ बांध देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक फ्लावर बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से फिर ये जो 1 इंच का डब्बा है, ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये 1-1 इंच के डब्बे पे ही आपको बनाना है फ्लावर, ये 2 इंच वाला छूटेगा। उसके बाद फिर इसी तरीके से हम नीचे लेंगे। आपको एक फ्लावर और बना के दिखा दे रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम ऐसे इस तरीके से गांठ बांध देंगे। फिर देखिए इस तरीके से तिरछे पे बनाना है, ऐसे ऐसे आपको लेना है क्रॉस में। ये देखिए, इसको इस तरीके से फिर खींच लेंगे और फिर इसको हम यहाँ से बांध लेंगे। अब मोती चाहे पूरा फ्लावर बनाने के बाद में भी लगा सकते हैं, चाहे साथ में लगाइए, आपके ऊपर है। देखिए ये हमारा दूसरा भी फ्लावर बन गया है। अब इसमें हम फिर से मोती लगा दे रहे हैं। देखिए अब इसको यहाँ से हम गांठ बांध देंगे। देखिए बन गया है, ये देखिए। अब इसी तरीके से हम जहाँ 1-1 इंच का डब्बा बना हुआ है सारे फ्लावर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फ्लावर बना लिए, आप देख सकते हैं मेरे सारे फ्लावर बन के कम्प्लीट हो गए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने इसका कवर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। हमने इसको देखिए किस तरीके से बनाया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये क्वेश्चन पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड। बाय बाय, थैंक यू।